इसकी एग्जाम डेट क्या हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ सेफ स्कोर, यदि आपके पास मैं बताऊँ उतना नंबर आप ले आते हो तो पक्का आपका सिलेक्शन है। और सबसे बड़ी बात तो यह है सेफ जोन, यदि आपने मैं आपको जोन बताऊंगा उन जोनों से फॉर्म भरा है तो आपके बार आपका सिलेक्शन पक्का है। हम इसको क्रैक कैसे करें। नमस्कार दोस्तों आपने सबने टाइटल पढ़ लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा, वीडियो किसके ऊपर बनने वाली है। आज वीडियो बनने वाली है रेलवे ग्रुप डी के ऊपर, आरआरबी ग्रुप डी के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। आरआरबी ग्रुप डी के बारे में जो भी आपने मुझे कमेंट किया था, जो भी आपके डाउट थे, सबसे ज्यादा बच्चे ये पूछ रहे थे कि धीरे धीरे कोरोना पहल पसारने लग चुका है तो क्या एग्जाम थोड़ी पीछे जा सकती है, इसकी एग्जाम डेट क्या हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ सेफ स्कोर, यदि आपके पास मैं बताऊँ उतना नंबर आप ले आते हो तो पक्का आपका सिलेक्शन है। और सबसे बड़ी बात तो यह है सेफ जोन, यदि आपने मैं आपको जोन बताऊंगा उन जोनों से फॉर्म भरा है तो अबकी बार आपका सिलेक्शन पक्का है। अबकी बार आपकी किस्मत बदलने वाली है, तैयारी तो करनी पड़ेगी। ऐसा भी नहीं है और जोनों के मुकाबले मैं बताऊंगा उन जोनों में कंपटीशन बहुत कम है तो वहां पर कम तैयारी में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो चलता हूँ सीधा टॉपिक के ऊपर, उससे पहले चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को जो भी आपके दोस्तों उनके साथ शेयर भी कर देना। सबसे बड़ी बात आपको बता दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी सबसे बड़ी भर्ती है। आपको पता होगा कितने पद है, 1,00,000+ पद है गई बार के मुकाबले कितने पद थे आपको सबको पता होगा दोस्तों, गई बार 63,000 पद थे लेकिन अब की बार 1,00,000+ पद है, मतलब कि अब की बार सिलेक्शन लेना आसान है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बच्चे फार्म तो भर दिया लेकिन वो स्टेट लेवल की बहुत वैकेंसी थी, एसएससी की बहुत वैकेंसी थी, उनमें सेलेक्ट हो चुके हैं। अब ऐसा तो है नहीं उसको छोड़कर, उस नौकरी को छोड़कर ग्रुप डी के एग्जाम देने आएंगे, तो मेरे कहने का मतलब यह है 40% बच्चे ऐसे भी होंगे जो एग्जाम देने नहीं बैठेंगे। इसलिए बोल रहा हूं 2021 में सिलेक्शन चाहिए, नौकरी चाहिए तो रेलवे ग्रुप डी की धांसू तैयारी करो। अब तक भी तैयारी नहीं करी है और आज से भी तैयारी करते हो, आपको सबको पता होगा कोरोना धीरे धीरे पैर पसारने लग गया तो अब एग्जाम डेट थोड़ी आगे जाने वाली है, तो अब तक भी तैयारी नहीं करी है और आज से भी करते हो ना तो अब आपके पास समय, आराम से सिलेक्शन ले जाओगे। इसलिए मैं बार बार यही बोलता हूं नौकरी चाहिए 2021 में तो रेलवे ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी की जोरदार तैयारी करो। अब मैं सीधे आपको लेके चलता हूं कि हम इसको क्रैक कैसे करें। दोस्तों क्रैक करने की बच्चे मुझसे पूछते हैं कोई रणनीति बताओ, मेरे पास सिर्फ एक ही रणनीति है, वो रणनीति है आपको मैथ पर, रीजनिंग पर, साइंस पर और करंट जीके पे ज्यादा ध्यान देना है, ओल्ड जीके लेके मत बैठो। बहुत बच्चे हैं सिर्फ ओल्ड जीके पढ़ते जाते हैं। आपको सबको पता होगा रेलवे ग्रुप के अंदर धीरे धीरे जीके का क्रेज कम होता जा रहा है, मैं भी मानता हूं करंट जीके आती है लेकिन आपको करंट, मैथ, रीजनिंग और साइंस चारों पे ज्यादा फोकस करना है, ओल्ड जीके पे कम फोकस करना है। यही रणनीति है, जो बच्चा मैथ, साइंस और रीजनिंग को क्लियर कर देगा उसका पक्का सिलेक्शन होने वाला है। और सबसे बड़ी भर्ती है, अंतिम मौका है, ऐसी वैकेंसी कभी आपको देखने को नहीं मिलेगी, जब तक वैकेंसी आएगी तब तक आप ओवरेज हो चुके होंगे। अब मैं सीधे चलता हूं टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक है एग्जाम डेट के कोरोना कारण दोस्तों एग्जाम पीछे जा सकती है, बिल्कुल जाएगी। अभी दोस्तों आपको पता होगा आरआरबी एनटीपीसी का सातवां पेज का एग्जाम लगने वाला है, सातवें चरण का एग्जाम लगने वाला है। अभी तक उसने दोस्तों डेट जारी नहीं की है, जैसे सातवां चरण एग्जाम लगेगा उसके बाद, मतलब कि आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम खत्म हो जाएंगी उसके बाद ग्रुप डी की एग्जाम लगने वाली है। और अभी तक सातवें पेज एंड सातवें चरण की एग्जाम भी नहीं लगी है। और सबको पता होगा धीरे धीरे कोरोना दोस्तों पैर पसारना स्टार्ट हो चुका है, वापस से कोरोना का ज्यादा हाल बेहाल होता जा रहा है भारत के अंदर। तो एग्जाम डेट मैंने आपको बता दी, एनटीपीसी का एग्जाम खत्म होएगा उसके बाद ग्रुप डी का लगेगा और दोस्तों कोरोना वापस आ गया है, आपको सबको पता होगा। इसलिए बोल रहा हूं अभी भी आपने तैयारी नहीं करी है तो अब आपके पास समय है, घर बैठ कर भी आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है, घर बैठ कर भी तैयारी कर सकते हो और आराम से सिलेक्शन ले जाओगे। तो मैंने एग्जाम डेट बता दिया आपको दोस्तों, एग्जाम डेट रहने वाली है एनटीपीसी के खत्म होते ही।
और एक बात और बता दूं, पढ़ने वाला बच्चा एग्जाम डेट नहीं देखता। मैं भी मानता हूं जब एग्जाम डेट नजदीक आ जाती है तो पढ़ने का ज्यादा मन करता है, लेकिन आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, कौन कौन से टॉपिक आपके क्लियर नहीं हुए उन टॉपिकों को क्लियर करना है। एग्जाम तो लगेगी, एक ना एक दिन एग्जाम तो आपकी जरूर लगने वाली है। आगे बता दूं कट ऑफ, दोस्तों मैंने पहले भी बता दिया था, अब भी बता देता हूं, जनरल कैटेगरी में कोई से भी जोन से फॉर्म भराओ। यदि आप दोस्तों बिल्कुल सेफ बता रहा हूं, 65 नंबर भी ले आते हो ना, ठीक है, 65 नंबर भी ले आते हो, मैं ये बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन से पहले पक्का सिलेक्शन है। 65 तो क्या है, यदि आप 60 प्लस भी ले आओगे ना, 60 प्लस नॉर्मलाइजेशन से पहले, तब भी आपका आपके बाहर 98% चांस है नौकरी लगने के। क्यों दोस्तों, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है और नॉर्मलाइजेशन में नंबर भी बढ़ते हैं। तो मैंने जनरल कैटेगरी का बता दिया, कोई से भी दोस्तों जोन से फॉर्म भराओ, यदि आप 65 के आसपास भी नंबर ले आते हो जनरल कैटेगरी में तो पक्का सिलेक्शन ले जाओगे। ऐसे मत डरो कि फॉर्म तो बहुत बार भरे गए, फॉर्म को मत देखो, आप देखो 40% बच्चे एग्जाम देने नहीं बैठेंगे, उनका फायदा आपको मिलने वाला है, उनकी जगह नौकरी आप लगने वाले हो। तो मैंने आपको सेफ स्कोर भी बता दिया, अब मैं चलता हूं सेफ जोनों की तरफ, कौन कौन से ऐसे सेफ जोन है, यदि आपने उनसे फॉर्म भरा है तो वहां पर कंपटीशन बहुत कम है, अब की बार आपका वहां से पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, वहां से आपकी किस्मत बदलने वाली है। सबसे दोस्तों सेफ जोन है वो है WR मुंबई। कौन सा दोस्तों? WR मुंबई सबसे सेफ जोन है। उसके बाद में आता है हुबली भी सेफ जोन है। तीसरे नंबर पे आता है CR मुंबई, ये भी सेफ जोन है। और चौथे नंबर पे आता है चेन्नई। ये चारों के चारों सेफ जोन है, यदि आपने इन चारों जोनों से फॉर्म भरा है। वापस से मैं बता देता हूं, WR मुंबई, हुबली, CR चेन्नई और चौथे नंबर पे आता है क्या दोस्तों? CR मुंबई, ठीक है। चार ऐसे जोन है, यदि आपने इनसे फॉर्म भरा है तो पक्का आप सिलेक्शन ले जाओगे। इसलिए बोल रहा हूं, आपने कोई से भी जोन से फॉर्म भरा हो, आपको अच्छी तरह मेहनत करनी है, और मैंने जो स्कोर बताया है इतना स्कोर तो कम से कम रॉ मार्क्स लेके आने हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद ये बहुत आगे तक चले जाएंगे। दोस्तों मैंने आपका जो भी डाउट था, जो भी आपका दोस्तों कंफ्यूज थे, सभी को मैंने क्लियर कर दिया। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई डाउट रह जाता है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को जो भी आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।